सो गाइस, इस चैप्टर में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सजेस्ट एनी टू मेजर टू चेक कास्टिज्म इन इंडिया. ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसका आंसर हो सकता है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब के क्या चेंजेस होने चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी में आप क्या कह सकते हो, वो सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वगैरह होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जो है इससे कैसे कास्टिज्म को रिमूव किया जा सकता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको रिफॉर्म वगैरह बताने हैं उसको उससे कैसे हेल्प होगी ये जरूर एक्सप्लेन कर देना. और उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ कैन रिलीजन बी यूज्ड इन पॉलिटिक्स इन अ पॉजिटिव मैनर. पॉजिटिव मैनर में कैसे रिलीजन को यूज किया जा सकता है. ओके, ये हॉट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है. उसके बाद है, वाई आर कास्ट बैरियर्स ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया. कास्ट बैरियर्स कैसे खत्म हो रहे हैं इंडिया में वो आपको एक्सप्लेन करना है कि आज के टाइम पे कैसा हो रहा है, कंटेम्प्रेरी पीरियड जो है इस हिसाब में. उसके बाद है, हाउ इज जेंडर डिविजन अंडरस्टूड इन इंडियन सोसाइटी. तो जेंडर डिविजन जो है ओके, वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. एंड टू वट एक्सटेंट डज द पोलिटिकल जो पॉलिटिक्स पोलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है जो जेंडर बेसिस पे, वो कैसे औरतों की हेल्प कर रही है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जेंडर डिवीजन क्या होता है हमारे यहाँ पे, एंड फिर पॉलिटिक्स कैसे जेंडर डिवीजन में, जेंडर जो है, जेंडर का टॉपिक जो है, इसमें कैसे हेल्प कर रही है पॉलिटिक्स में औरतों की लाइफ को बेहतर करने के लिए. सो गाइस, इसमें आप बता सकते हो कि लोकल लेवल पे उनको रिजर्वेशन वगैरह मिल रहा है एंड ये सारी चीजें. ओके, उसके बाद आपको बताना है कि तीन एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस. पॉलिटिक्स में जब कास्ट डिफरेंसेस की बात करी जाती है तो उसमें उसके फायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, ये आपको बताना है. उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वो है कि मेंशन एनी थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसके कारण इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद है, व्हाट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म टेक्स इन डेमोक्रेसी. तो व्हाट फॉर्म्स डज कम्युनलिज्म टेक्स इन पॉलिटिक्स. तो कम्युनलिज्म के क्या क्या फॉर्म होते हैं और कम्युनलिज्म क्या होता है ये आपको बताना है. कम्युनलिज्म ये होता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक दूसरे को बिल्कुल ही एक साथ रह नहीं पाते, को एग्जिस्ट नहीं कर पाते एंड एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ठीक है, और हमेशा रिलीजन के नाम पे ही अगर वायलेंस वगैरह हो रहा है, झड़प हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं. अब एक और क्वेश्चन है विमेन के बारे में. एक्सप्लेन हाउ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर लेजिस्लेचर में मिलेगी तो कैसे औरतों की सोशल स्टेटस बढ़ेगी, ये आपको बताना है. उसके बाद एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी फोर एस्पेक्ट्स जिसके हिसाब से औरतों को आज भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हमारी सोसाइटी में. सो डिस्क्राइब एनी फोर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडियन सोसाइटी. सो गाइस, इसमें आप बता सकते हो, एक तो अनपेड वर्क जो वो करती हैं उसके लिए उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. दूसरा, सेक्स रेशियो हमारे यहाँ पे बहुत कम है, किसी स्टेट में तो और भी ज्यादा बहुत एक्यूट और नैरो सेक्स रेशियो है, बहुत बायस्ड. उसके बाद है, लिटरेसी रेट हमारा कम है, और डोमेस्टिक वायलेंस और फीमेल फीटिसाइड जो है, ये सारी चीजें वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन दिखा रही हैं. ओके, उसके दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.